श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, अक्सर आपने छिपकली को अपने घरों में अधिकतर देखा होगा। छिपकली कई बार दीवारों पर चलती है, कई बार आपने उसे अपने घर के किचन में, मंदिर में, कई जगह देखा होगा, लेकिन आपने कभी कभी उसे ज़मीन पर चलते हुए भी देखा होगा। आखिर छिपकली का ज़मीन पर चलना कई घटनाओं के बारे में संकेत देता है। हम अपने घर में जब भी छिपकली देखते हैं, डर जाते हैं, उससे घृणा करने लगते हैं, सोचते हैं अगर यह हमारे किचन में चली गई, खाने पीने के सामान में अगर छू लिया उसने तो वह सामान हमें फेंकना पड़ेगा। छिपकली शुभ और अशुभ बहुत से संकेत देती है। आप छिपकली को अपने घर से भगाने की मत सोचिए। छिपकली माँ लक्ष्मी का प्रतीक मानी गई है। छिपकली आपके घर की साफ सफाई भी रखती है एक तरीके से, क्योंकि वह घर में होने वाले छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को आपके से बचाए रखती है, उसे खा लेती है। जब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े वह खा लेती है, जिससे आपके घर में छोटे छोटे कीटाणु पैदा नहीं होते और आपके घर में जाले भी नहीं लगने देती है, क्योंकि अधिकतर मकड़ी वगैरह ये खाती है छिपकली, और इससे आपके घर में कम जाले लगते हैं। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो खाती है, जिससे आपके घर में शुद्धता बनी रहती है। अगर आप छिपकली को ज़मीन में चलता देखते हैं तो आप इसे बिल्कुल ना डरिए, क्योंकि यह माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी गई है। ऐसा माना जाता है कि यदि घर में छिपकली देखी जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और ज़मीन की बात करी जाए तो ज़मीन पर चलना साक्षात लक्ष्मी का अवतरण देख लेना, लक्ष्मी का प्रतीक देख लेना। छिपकली ज़मीन पर चलती दिखे तो बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर छिपकली ज़मीन पर चल रही है तो इसका मतलब है कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने वाली है, आपके दिन पलटने वाले हैं, घर में लाभ होने वाला है, कहीं ना कहीं से धन की वर्षा होने वाली है, कोई अच्छी खबर आने वाली है, कोई सुख शांति हमेशा, मतलब आपके घर में कुछ ना कुछ शुभ कार्य होने वाला है। यह संकेत समझ लीजिए आप अगर छिपकली को ज़मीन पर रेंगते हुए देख लेते हैं। छिपकली हमें एक इशारा भी देती है कई अच्छे और बुरे संकेतों का। जैसे आप नया घर लेते हैं, नई दुकान लेते हैं, उसका गृह प्रवेश करते हैं, उस समय अगर आपको छिपकली घर की दीवार पर चलती हुई दिख जाए तो समझिए बहुत ही शुभ रहेगा वह आपके लिए, वो घर और वो दुकान। लेकिन अगर छिपकली मरी हुई दिख जाती है ग्रह या ज़मीन या फिर दुकान खरीदते समय, तो वह अशुभ संकेत माना जाता है। उसके लिए भी आप डरे नहीं, घबराए नहीं, उसके लिए विशेष हवन या पूजा की ज़रूरत होती है। विशेष पूजा पाठ करने से नकारात्मक ऊर्जा वहां से चली जाती है और माता लक्ष्मी का उस स्थान पर वास हो जाता है। आप अगर रेंगती हुई छिपकली को किसी भी सोते हुए या लेटे हुए व्यक्ति के पेट पर गिर जाए, या अगर छिपकली चलती हुई नज़र आए किसी के शरीर पर, तो यह इस बात का संकेत होता है कि उस बच्चे का या किसी भी व्यक्ति का भविष्य बहुत ही सरल होने वाला है, बहुत ही सुखमय होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप छिपकली से डरे नहीं, घबराए नहीं, छिपकली बहुत ही शुभ मानी जाती है। इसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, अगर आप लोग को और भी जानकारी चाहिए, बहुत से ऐसे उपाय हमने डाले हुए हैं जो आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।